वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के समय में ज़्यादातर जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को स्किप कर दिया जाता है और इनको स्किप करके जो इंस्टॉलर है वो कुछ ना कुछ पैसों की बचत करते हैं, लेकिन उनकी ये छोटी सी बचत क्या होती है कि आप लोगों के लिए महंगी पड़ सकती है। तो आज के वीडियो में जो सोलर सिस्टम होता है इसके अंदर सेफ्टी के लिए जो भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बात करेंगे ACDB के बारे में, DCDB के बारे में, AJB बॉक्स के बारे में, अर्थिंग के बारे में, लाइटिंग अरेस्टर के बारे में, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे ACDB और DCDB बॉक्स के साथ में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 kW से अगर कम का इंस्टॉलेशन कराते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे है DCDB बॉक्स। DCDB बॉक्स आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे DCDB बॉक्स लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 1 in 1 out। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई होती है तो इनके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। तो जैसा आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लगाया गया है फ्यूज़। अब फ्यूज़ कैसे काम करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके हाई करंट पैदा हो गया तो ऐसे में फ्यूज़ होता है जो अंदर से कोयल, इसमें काफ़ी हल्का सा एक वायर होता है जो वो जल जाता है, तो ऐसे में आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके कोई से भी चीज़ का कोई लॉस नहीं होगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पे लगाई गई है SPD। अब SPD कैसे काम करता है, मान लीजिए कि आपके एरिया में लाइटनिंग होती है, हाई वोल्टेज पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में ये क्या करेगा, SPD जितना भी यहाँ पे वोल्टेज होगा उसको अर्थ कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे लगाई गई है DCMCB। अब DCMCB का ये काम रहता है कि मान लीजिए वापस यहाँ पे हाई वोल्टेज हुआ तो DCMCB यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे DCDB बॉक्स के अंदर। अब जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में है ACDB बॉक्स। अब ये ACDB बॉक्स है, ये इसी DCDB बॉक्स के साथ में लगेगा। इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो AC SPD लगाई गई है, जो वहाँ पे थी वो DC SPD थी, यहाँ पे AC SPD लगाई गई है। अब ये क्या होता है कि इन्वर्टर के बाद में लगता है, तो इन्वर्टर के बाद में आपके जो भी घर के अप्लाइंसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने से पहले आप ये डिवाइस लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये बॉक्स होगा तो क्या सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज पैदा हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, आपके SPD जितना भी करंट होगा उसको अर्थ कर देगा। इसके बाद में यहाँ पे लगाई गई है हमारी नॉर्मल AC MCB। अगर हाई वोल्टेज होता है तो हमारी MCB ट्रिप हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया कि 3 kW से कम का सिस्टम लगा रहे तो ये दोनों चीज़ें लगाई जाती है। जो DCDB बॉक्स होता है, सोलर पैनल से जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उसको हमारे DCDB बॉक्स के अंदर लेके आते हैं और वहां से वो जाता है वापस इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर से जो करंट निकलता है उसको लेके आते हैं ACDB बॉक्स के अंदर और ACDB बॉक्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है हमारे घर के जो अप्लायंसेस वगैरह चल रहे हैं वहां से। अब ये तो हो गया, अगर 3 kW तक आप सिंगल फेज़ का सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लगवानी होगी। अब बात करते हैं अगर आप बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं जहाँ पे आप 3 फेज़ का कनेक्शन भी करवा रहे हैं, 5 kW से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा आप मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे एक सोलर ACDB बॉक्स। अब सोलर ACDB बॉक्स ये 3 फेज़ के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो बॉक्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज़ की MCB लगाई गई है जिसके अंदर 3 पोल के यहाँ पे ऑप्शन है, Phase 1, Phase 2, Phase 3 और न्यूट्रल। अब सेम ये वैसे ही काम करती है, अगर हाई वोल्टेज हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। इसके बाद में वापस यहाँ पे 3 फेज़ के SPD लगाई गई है, तो ये हो गया वापस यहाँ पे हमारा अगर 3 फेज़ के अंदर ACDB बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है सोलर DCDP। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 in 2 out। इसका मतलब ये है कि जब आप बड़ा इन्वर्टर खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डबल MPPT लगा हुआ होता है, यानी कि आप 2 array एक साथ कनेक्ट करेंगे उसके अंदर, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 1 array यहाँ पे कनेक्ट होगा आपका सोलर पैनल का और 1 array यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इनको क्या होगा लास्ट में यहाँ से पैरेलल होकर वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मान लीजिए कोई स्पार्किंग वगैरह होती है तो वो चीज़ यहाँ से आपको सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या मल्टीपल आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई बार आपको 4 in 2 4 भी देखने को मिल जाएगा, 4 in 4 out, 5 in 5 out, ऐसे कई सारे यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इनका मतलब ये होता है जितने ज़्यादा यहाँ पे इन होंगे उतनी ज़्यादा आपके जो सोलर पैनल होंगे उनके एरे यहाँ पे लगे हुए होंगे। अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि 4 in 1 out, तो वो वाले जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इनपुट तो 4 आते हैं लेकिन आउटपुट जो होता है वो सिंगल में निकलता है, यानी कि पैरेलल में सारे को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जो बॉक्स होते हैं उन्हें हम काम में लेते हैं हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। ये वाला जो बॉक्स है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो 2 इनपुट आएंगे वो 2 आउटपुट ही वापस बाहर निकलेंगे और उसे ले जाके हम हमारा जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें डबल डबल लगाई गई, यानी कि फ्यूज़ यहाँ पे 2 लगाए गए हैं, यहाँ पे SPD भी 2 लगाई गई है और सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, और इनको यहाँ पे इनका ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे लास्ट में इनका आउट का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आपको 2 array इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर बोले कि आपने सोलर पैनल मान लीजिए 4 kW सोलर पैनल लगाए 4 kW सोलर पैनल अलग जगह लगाएं, तो उन दोनों के अलग अलग जो वायर होंगे उन दोनों को यहाँ पे कनेक्शन करने का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 in 2 out की क्या जरूरत है, हम सारे वायर को आपस में जॉइंट करके भी तो लगा सकते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पे हम क्यों नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। अब हमारा इन्वर्टर क्या होगा, वहाँ पे आज के समय में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट का ऑप्शन दिया होता है, यानी कि मल्टीपल उसके अंदर MPPT लगाए गए होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो अलग अलग एरे होंगे सोलर के, वो अलग अलग उसको करंट को यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका एक सोलर एरे है वो कम प्रोडक्शन करता है और एक एरे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो अगर आप उसे आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक पे अगर शेडो आएगा तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा दोनों को इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग प्रोडक्शन उनका अकाउंट होता है, जिससे आपका जो प्रोडक्शन का लॉस है वो कम होगा। इसी के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो है सोलर AJB बॉक्स। अब सोलर AJB का मतलब क्या है, तो यहाँ पे है सोलर एरे जंक्शन बॉक्स, यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है कि एरे होगा उनका एक ये जंक्शन है। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 3-in-1, मतलब तीन एरे को ये सिंगल एरे में कन्वर्ट करेगा, या फिर बोलेगे अगर तीन एरे आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो वो पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा और एक सिंगल यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है इसे देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपके तीन एरे आ रहे हैं, तो यहाँ पे तीन फ्यूज़ लगा रखे हैं। यहाँ पे जो तीनों फ्यूज़ है ये सिर्फ फेज़ के लिए हैं, यानी कि जो आपके फेज़ होगा इसको आप इसमें कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल के लिए ये यहाँ पे दे रखा है, तो न्यूट्रल को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फेज़ वाले वायर तीनों को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्या है कि ये पूरा सारा यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगल आउटपुट में निकल जाएगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा वो पहले तो यहाँ पे जाएगा SPD में, SPD से यहाँ पे अर्थिंग का वापस कनेक्ट किया, और इसके बाद में यहाँ पे लगाई गई है एक MCB। अब यहाँ पे ये DC MCB है, जो हमारा AJB बॉक्स होता है इसे DC DB बॉक्स भी बोला जाता है, ये सेम बॉक्स है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जहाँ पे हम DC DB बॉक्स को काम में लेते हैं उसी जगह पे AC बॉक्स को भी काम में लिया जाता है, लेकिन ये जो AJB बॉक्स होता है इसे बड़े सिस्टम में काम में लिया जाता है, यानी कि 5 kW से ऊपर लगा रहे हैं तब जाके हम AJB बॉक्स को काम में लेते हैं, बाकी AC DB और DC DB बॉक्स को लगाया जाता है। तो ये तो हो गए इनके अंदर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये थी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्यूज़ भी लगे हुए हो, आपके SPD भी हो, और आपके यहाँ पे जो MCB वगैरह सारी चीज़ों के प्रॉपर लगे हुए हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बाहर का बॉक्स है इसके बारे में। ये जो बॉक्स होता है ये नॉर्मल बॉक्स नहीं होता, इसे FRC बॉक्स बोला जाता है, या IP65 रेटिंग का होता है, यानी कि डस्ट और वाटर से थोड़ी बहुत हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही इस बॉक्स की एक खास चीज़ होती है कि मान लीजिए अगर अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर नॉर्मली बर्न भी होने लग गया तो बॉक्स इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, मतलब इसके अंदर अगर आग भी होगी तो भी ये बॉक्स जलेगा नहीं। तो ये इस बॉक्स की खास चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का बॉक्स लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी जगह मैंने देखा है कि फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, SPD ख़राब हो जाती है, तो भी क्या होता है लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते और कई दिनों तक जो सोलर सिस्टम है ये बंद पड़ा रहता है। तो इस चीज़ का आप कैसे पता लगा सकते हैं ये चीज़ देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी SPD ख़राब होती है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का है, जो एक ग्रीन कलर है ये ब्लैक कलर का हो जाएगा अगर ये ख़राब हो जाती है। तो ये जो चीज़ें इसको आप साइड से निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या ये पूरी तरीके से लॉक है, आपको यहाँ से स्क्रू खोल के इसको निकालना होगा, फिर इसको चेंज करके मार्केट से खाली ये वाला पोर्शन इसका चेंज हो जाएगा, जिसके बाद आपका सिस्टम पूरा वापस काम करने लग जाएगा। साथ ही क्या होगा कि यहाँ पे MCB के केस में तो कुछ नहीं होता, खाली ये ट्रिप होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है फ्यूज़ के केस में भी क्या है कि जो फ्यूज़ होता है इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये फ्यूज़ कई बार यहाँ पे जल जाता है। तो ये फ्यूज़ अगर आपका जल गया है तो क्या होगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो ये चीज़ देख सकते हैं, अगर ख़राब हो गया तो इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ इसको खोल के देखना है, ये चीज़ क्या है कि आपको ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे साथ में क्या है कि एनर्जी मीटर लगाया जाता है, सोलर मीटर लगाया जाता है, प्रोडक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें लगाई जाती हैं, और साथ ही काफ़ी जगह क्या होता है ऊपर इंडिकेटर भी लगाए जाते हैं। अब इंडिकेटर इनके ऊपर लगाए जाते हैं, अगर इंडिकेटर होता है तो उससे डायरेक्टली आपको पता पड़ जाता है कि मान लीजिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट कट गया है, तो वहाँ पे आपको लाइट से पता चल जाएगा कि सर्किट बंद हो चुका है, तो आप पता लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी जहाँ पे उनको कंपलसरी कर रखा है और काफ़ी जगह पे उन प्रोडक्ट को नहीं लगाया जाता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो यहाँ पे आता है वो हमारी अर्थिंग की रोड और लाइटिंग अरेस्टर। ये कंपोनेंट भी क्या है कि सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये कंपलसरी से आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं नेट मीटरिंग के अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड के केस में क्या है कि इन्हें स्किप कर दिया जाता है। तो ऑफ ग्रिड के केस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर 3 kW से ऊपर का सिस्टम है तो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर कंपलसरी इंस्टॉल होना चाहिए। जैसा मेरे पास आप देख सकते हैं कॉपर का एक लाइटिंग अरेस्टर है, तो ऐसा यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर आपके छत के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये कॉपर की रोड है, तो ऐसी यहाँ पे तीन रोड काम आएगी। आपके घर में अगर सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो यहाँ पे AC अर्थिंग, DC अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट अर्थिंग करना कंपलसरी है। आप कहीं पे भी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके सोलर सिस्टम का। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करा रहे हैं वहाँ पे AC रोड लगा के आपके यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाए।
इस रोड के अंदर यहाँ पे एक अलग टाइप की रोड और आती है जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, तो वो रोड भी आप प्रीफर कर सकते हैं, इस टाइप की रोड भी प्रीफर कर सकते हैं। और लाइटिंग अरेस्टर के अंदर भी दो तीन टाइप आते हैं, तो उन सब में से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं और वहाँ पे ये सेफ्टी कंपोनेंट लगवाना भूल जाते हैं या फिर नहीं लगवाते हैं या फिर इंस्टॉलर इंस्टॉल नहीं करता है, तो क्या हो सकता है? तो अगर ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए हाई करंट पैदा होता है या फिर हाई वोल्टेज आ गया किसी कारण से, तो या तो आपका इन्वर्टर जल सकता है, अगर इन्वर्टर खराब हो गया और वो करंट इन्वर्टर से आगे चला गया तो आपके जो अप्लाइंसेस है उनको भी ख़राब कर सकता है, तो ये चीज़ का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। काफ़ी सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जो आपकी वायरिंग होती है वो भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे MCB होना, SPD होना, फ्यूज़ होना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं स्किप करेंगे तो आपके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा, तो वायर जल सकता है, स्पार्किंग होती रहेगी, तो ये चीज़ यहाँ पर इनसे कम्प्लीटली आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी ACDB, DCDB, AJB और जितने भी यहाँ पे अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं इनके बारे में। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप ACDB, DCDB बॉक्स नहीं लगाते तो क्या क्या यहाँ पे आपके नुकसान हो सकता है। और इस वीडियो का मेन टारगेट ये कि मान लीजिए आप कोई भी बॉक्स इनमें से खरीदने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया ताकि आप जाके सिर्फ दुकानदार को बोले कि मुझे 3 kW के लिए चाहिए, तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दे, ऐसा ना हो कि वो आपके साथ धोखाधड़ी कर दे, खाली MCB लगा के दे दे और आप वहाँ से लेके आ जाए, क्योंकि इन चीज़ों का आप इतना पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये सारे कंपोनेंट आपको बताए हैं जिससे क्या कि आप इजीली जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 3-in-1, 3-out लिखा हुआ, ऐसा 4-in-4-out होगा तो उसके अंदर कंपोनेंट और बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए इन प्रोडक्ट को खरीदना होता है। इनके अंदर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर क्या होगा कि आप किसी भी इंस्टॉलर के पास जाएंगे या सोलर विक्रेता के पास जाएंगे, उनसे ये चीज़ मांगेंगे तो डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट निकाल के दे देंगे, या फिर आप ऑनलाइन loomsolar.com से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।